चैनल इंडियन मोमोडिटी पर आप सभी का स्वागत है। तो आने वाली है न्यू ईयर इवनिंग, एंड न्यू ईयर इवनिंग के लिए इंडियन मॉम ऐसा कुछ करती नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जब से अनिका हुई है तब से मुझे नहीं लगता कि मैंने बाहर जाकर कोई नाइट आउट ऐसा कुछ पार्टी एंड ऑल कुछ किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ये है एक रियल लाइफ ऑफ इंडियन मॉम। तो अगर आप घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी सोसाइटी में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप इस तरह का जो मेकअप है इसे लगा कर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा, सिंपल सा और एकदम रियलिस्टिक टाइप मेकअप है, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे और सबसे पहले इस सिंपल से रियलिस्टिक वाले मेकअप को देखेंगे। मैं इन दो प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाली हूँ। ये है मुई का इंस्टा ग्लो फेस सीरम और उसके बाद लास्ट नेचुरल का ये प्यूरिफाइज टोन्स एंड रिफ्रेशेस वाला जो चीज़ है वो। और ये दोनों क्या करते हैं, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइज करते हैं, और इससे मेरा जो बेस मेकअप है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये दोनों मेरे स्किन पर एज अ फेस प्राइमर की तरह भी काम करते हैं। उसके बाद मैं ये नायका स्किन जीनियस का वार्म सैंड वाला फाउंडेशन यूज़ करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। लास्ट कुछ दिनों से मैं इसे रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। बहुत नाइसली मेरे स्किन पर ये ब्लेंड हो जाता है और इसका जो ओवरऑल फिनिश है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मेरी जो स्किन है वो ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए ये जो टेक्सचर वाला फाउंडेशन है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड आप बोल सकते हो कि आज तक का मेरा बेस्ट फाउंडेशन, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से लग चुका है। और उसके बाद मैं ये जो निक्स का डार्क सर्कल कंसीलर करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ, और मेरा जो शेड है वो है मीडियम। एज़ यूजल मैं ब्राउन आई शेडो जो मैट होता है उसे यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लूँगी क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मेरे लिप्स जो है थोड़ा सा ड्राइंग हो रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक का ब्लेंडर रूल्स आई शेडो क्वाड 13 पपराजी वाला ये पैलेट लूँगी, जिसमें से ये जो फर्स्ट गोल्डन आई शेडो का जो शेड है इसे अपने ओवरऑल आई लिड्स पर लगा लूँगी। अब इस ब्रॉन्जी शेड को मैं अपने क्रीज लाइन पर लगा लूँगी, और क्रीज लाइन पर लगाने के लिए इस ब्लेंडिंग ब्रश का मैं यूज़ करूँगी। मैं बहुत ही सिंपल आई मेकअप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब मैं यूज़ करूँगी इस सिग्मा के विक जेल आईलाइनर को, जो कि मेरा फेवरेट है, और इसे लगाने के लिए विंग लाइनर का जो सिग्मा का ये जो ब्रश है इसे यूज़ करूँगी। एंड जी हाँ, बस बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना है एंड हो गया। तो यहाँ पर मेरा जो विंग आईलाइनर है वो लग चुका है, और अभी मैं लॉरियल का ये सिल्किज्म वाला आईलाइनर और इसका जो शेड है गोल्ड वाला ये यूज़ करने वाली हूँ। एंड कैसे यूज़ करने वाली हूँ आप देखते रहिए, एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अब मैं लगाऊंगी मस्कारा ऊपर और नीचे के आईलैशेस पर। अब मैं यूज़ करूँगी इस आई शेडो शिमरी पाउडर को, और इसे एज अ हाइलाइटर मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें से ये जो गोल्डन शेड है इसे अपने चिक बोन्स पर लगाऊंगी, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, नहीं तो ये थोड़ा सा पैची भी दिख सकता है। उसके बाद मैं ये निका का डुओ ब्लश यूज़ करूँगी, जिसमें से पिंक शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड सबसे लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, ये है शुगर कॉस्मेटिक की नेवर से ड्राई क्रीम लिपस्टिक रिवोल्यूशनरी रोज, और ये शेड नंबर 04 है। ये बहुत ही अच्छा एक पिंक शेड है जो कि इस गोल्डन और इस ऑरेंज को एक बहुत ही अच्छा लुक देगा।
उसके बाद मैं ये पैंटीन का प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट पावर ऑफ नरिशिंग ऑयल्स इन अ क्रीम फॉर्म वाला ये यूज़ करूँगी। इसे बस थोड़ा सा अपने बालों में लगाऊंगी जिससे आ जाएंगे मेरे बालों में बहुत ही अच्छा एक शाइन। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ न्यू ईयर इवनिंग के लिए एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस मुझे भेजा है PSJ पिया ज्वेल्स ने। उसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर आप अपने लिए भी इस तरह से खूबसूरत सा नेकलेस ख़रीद सकते हैं। उनके पास आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एंड बहुत ही अच्छी वैरायटी भी मिलेगी। सो आई रियली होप कि आपको ये मेरा रियलिस्टिक इंडियन मॉम का जो न्यू ईयर इवनिंग मेकअप है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कहीं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर जो रेड है उस पर क्लिक कर दीजिए जिससे आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देंगे। एंड या दैट्स इट। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।